दोस्तों नमस्कार, मैं हूं जयंत विलायतकर और इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। चलिए आप सभी को महाराष्ट्र के कोकण क्षेत्र में स्थित खूबसूरत काशीद बीच पर लिए चलते हैं। रोजमर्रा की भागदौड़ की जिंदगी से थोड़ा सा निजात पाने के लिए लोग यहां पर खींचे चले आते हैं और यह जगह उन्हें निराश नहीं करती। पुणे से लगभग 170 किलोमीटर की दूरी पर है और नवी मुंबई से तो सिर्फ 100 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ पर आपको कोकण के कोस्टल एरिया के गांव का सुंदर नजारा दिखाई देगा। कोकण की खूबसूरती का क्या कहना। अब हम काशीद बीच पहुंचने ही वाले हैं। रास्ते में पहाड़ी पर से ही काशीद बीच का शानदार नजारा दिखाई दिया। बीच के पास पहुंच ही गए। अगर आप एक दिन के ट्रिप पर आए हैं तो आपको होटल बुक करने की जरूरत नहीं पड़ती। बीच पर ही चेंजिंग रूम्स और बाथरूम्स की सुविधा है। यहाँ पर आप कपड़े बदल सकते हैं और नहा भी सकते हैं। बीच पर लगे शैक्स में आप थोड़ा आराम कर सकते हैं। अगर आपको रात को रुकना है तो काशीद गांव में बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। हालांकि बीच पर खाना अच्छा नहीं मिलता, उसके लिए आपको 1 किलोमीटर की दूरी पर काशीद गांव में जाना पड़ता है। हम इसी होटल में रुके थे। इसे एक परिवार चलाता है। काशीद में और भी कई सारे महंगे रिसोर्ट और होटल्स हैं, पर यह है मिडिल क्लास के लिए वैल्यू फॉर मनी होटल है। यहाँ पर खाना अच्छा मिलता है। खाना खाने के उपरांत थोड़ा देर आराम करके शाम के समय हम बीच की ओर निकल पड़े। होटल से पैदल ही बीच पर जा सकते हैं। मेन बीच छोड़कर बाकी जगह ज्यादा भीड़ नहीं होती। आपको यहाँ शांति का एहसास होता है। बीच पर पर्यटक लोग आपको हॉर्स राइडिंग, वाटर स्पोर्ट्स एवं घोड़ा गाड़ी का आनंद उठाते हुए नजर आएंगे। यहां पर आप जेट स्की, बनाना राइड एवं पैरासेलिंग का मजा उठा सकते हैं। अगर आपको इन चीजों में इंटरेस्ट नहीं है तो आप समुंदर में ही डुबकी लगा सकते हैं। हालांकि गोवा के बीच जैसा मजा आपको यहाँ नहीं आएगा, लेकिन आपकी जेब भी इतनी हल्की नहीं होगी। गोवा की तरह यह बीच स्वच्छ है। कचरे की समस्या यहाँ पर नजर नहीं आती। माहौल थोड़ा सा गोवा जैसा बन नहीं पाता। एक रीजन ये भी है कि यहाँ पर अल्कोहल इजीली अवेलेबल नहीं है और यहाँ पर बार व पब भी नहीं है। यहाँ पर ज्यादा कमर्शियलाइजेशन नहीं हुआ है, लेकिन फैमिली के साथ एक दिन का वक्त बिताने के लिए यह अच्छी जगह है। पुणे से यहाँ पर आने के लिए लगभग 4.5 से 5 घंटे लग जाते हैं, लेकिन मुंबई से सिर्फ 2 घंटे में ही आप यहाँ पहुंच सकते हैं। अब हम जेट स्की राइड लेने जा रहे हैं। सिर्फ 2-3 मिनट की राइड में ही आपको बहुत रोमांच का आनंद मिलेगा।
हमने यहाँ पर अच्छा वक्त बिताया। यहाँ से पास में ही समुद्र में स्थित जंजीरा किला देखने लायक है, उसे आप दूसरे दिन भेंट दे सकते हैं। उस किले का वीडियो चैनल पर मौजूद है और लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। आपको तो पता ही होगा, पर फिर भी एक बार याद दिला देते हैं कि वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो जरूर लाइक कीजिए। वीडियो अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। और भी वीडियो देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन पर जरूर क्लिक कीजिएगा। फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। आप सभी का दिन शुभ मंगल हो। धन्यवाद। Till we meet next, do take a good care of yourself and your family. This is Jayant Vilayatkar signing off for the day. Thank you.